इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होता है, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस का मतलब सुपरपोजिशन करना, दो लाइट वेव्स हैं, दो लाइट की वेव्स हैं, दोनों आपस में सुपर इम्पोज हो जाएं, तो सुपर इम्पोज होने का मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट पे या क्रेस्ट ट्रफ पे कैसे भी घिरेगा, वेक्टर का रूल लगाएं, सुपर इम्पोज करें तो इंटरफेयर हो जाएगी, दो लाइट मिल जाएंगी। अब क्या खास है इसमें, मतलब मिल गई ठीक है यार, दो दो ट्यूबें जलाई और मिल गई, बस क्या हुआ उसके बाद, रोशनी और रोशनी होगी और क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो आप दो ट्यूब्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि आपको मैं दो ट्यूब्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सुपर इम्पोज करने के लिए कम से कम दो वेव तो चाहिए होंगी ना, और सुपर पोजिशन या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए मुझे दो आइडेंटिकल वेव चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल। आइडेंटिकल वेव्स के सोर्सेस को, कोई दो ऐसे सोर्स जो एक ऐसी वेव प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोहरेंट सोर्सेस। कोहरेंट सोर्स का मतलब जबरदस्त आइडेंटिकल वेव्स को प्रोड्यूस करना, तो ऐसे सोर्स को कोहरेंट सोर्स बोलते हैं। अब आप कहोगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, मार्केट जाओ दो फिलिप्स के बल्ब ले लो 100-100 वाट के, एक ही कंपनी के है ना, तो दो कोहरेंट हो तो गए नहीं होंगे, वो दो कोहरेंट नहीं है। अब दो कोहरेंट क्यों नहीं हुए भाई, वो जबकि आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, एक ही मशीन ने बनाए, इतने कोहरेंट चाहिए कि अगर हम ये बात करें कि लाइट पैदा कैसे होती है, लाइट कैसे जनरेट होती है, तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। तो इमेजिन करो एक बल्ब है और दूसरा बल्ब है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर नीचे गिर रहे हैं तो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन और लाखों इलेक्ट्रॉन हैं लेफ्ट और राइट बल्ब में, तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन पहले बल्ब का ऊपर जा रहा है उस टाइम पे दूसरे बल्ब का इलेक्ट्रॉन भी ऊपर जाएगा, और जब नीचे गिर रहा है तो दोनों इकट्ठे नीचे गिरेंगे, ऐसे अगले 100 ऊपर नीचे, इतना आइडेंटिकल चाहिए। आप कहोगे ये नहीं पॉसिबल, लाखों इलेक्ट्रॉन की मैचिंग कैसे कर लोगे, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, तो फिर आइडेंटिकल नहीं है वो सोर्स। तो कोहरेंट सोर्स इतने चाहिए, कोहरेंट बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी चाहिए, यानी कि दो वेव्स ऐसी प्रोड्यूस करें जिनकी वेवलेंथ भी सेम हो, बिल्कुल फर्क एक 19-21 का फर्क भी ना हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, और सेम फेज में भी हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का गिरना और ऊपर जाकर नीचे गिरना भी आइडेंटिकल हो। कैसे बनता है, क्या लेंगे, आइडेंटिकल कैसे बनाते हैं, उसका तरीका इसने बताया, एक साइंटिस्ट था यंग्स, उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है, तो वो हम स्टडी करेंगे, उसके अंदर आइडेंटिकल सोर्सेज बनाए गए। लेकिन मैं आपको जो मतलब बता रहा हूँ कि कोहरेंट सोर्स होते क्या हैं, और ये एक्सपेरिमेंट कोहरेंट सोर्स पे चलता है। और दूसरा, लाइट के इंटरफेरेंस जो हम पढ़ते हैं वो ऐसे नहीं कि दो ट्यूबलाइट ली और आपने इंटरफेयर दो अपना मिक्स हो गई। देखो ट्यूबलाइट में अफेक्ट नहीं आएगा इंटरफेरेंस का, क्यों नहीं आएगा, ट्यूबलाइट है वाइट लाइट, वाइट लाइट सात रंगों की बनी हुई है, सात रंग के ऊपर इंटरफेयर करने 14 रंग हो गए टोटल, तो क्या दिखेगा आपको, वाइट दिखेगा, मिक्स हो गए कलर्स। तो आप जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं इंटरफेरेंस का तो लेजर लाइट के साथ करते हैं, लेजर लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर लाइट पे एक्सपेरिमेंट देखा जाता है। दो लेजर लेनी है, दोनों लाल कलर की लेजर ले लो तो एक्सपेरिमेंट आता है, ठीक, व्हाइट लाइट के साथ नहीं आता। ये एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि व्हाइट कलर के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं हो पाता, इंटरफेरेंस क्यों नहीं हो पाती, भाई सात रंग है कहाँ से होएगी इंटरफेरेंस, तो आपको सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए होती है, ठीक। तो क्या करना है इसके अंदर, ये क्या है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, देखो इसको समझते हैं। इमेजिन करो पहले तो उस वेव फ्रंट की कहानी को तो हमने समझ ही लिया। यंग्स एक साइंटिस्ट ने 100-150-125 साल के बाद लैब में एक्सपेरिमेंट किया उस थ्योरी को पढ़ के, और लाइट को वेव ट्रीट करते हुए उसने इंटरफेरेंस करके दिखाई, यानी कि लाइट में उसने सुपरपोजिशन करके दिखाई। और अगर मैं ये बोलूं कि लाइट की सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, उसने दो लाइट्स ली, एक और दो, एक लाइट का क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिरा तो बड़ा क्रेस्ट आया, और जब क्रेस्ट ट्रफ पे गिरा तो लाइट ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया मतलब वहां लाइट नहीं गिरी, हाँ स्क्रीन के ऊपर लाइट नहीं गिरी। अब इमेजिन करें मेरे पास मान लो दो लाइट्स हैं, दो वेव्स हैं और एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर टोटल एनर्जी दोनों की मिला के मान लो 10 और 10 20 एनर्जी है, 20 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है। तो पहला तरीका गिरने का कि मैंने दो दो यूनिट की एनर्जी यहाँ पे, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, स्क्रीन पूरी लाइट से भर दी, दो 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 करके 10 बार गिरा तो 20 यूनिट होगी एनर्जी। पर सुपरपोजिशन ये कहता है लाइट ऐसे नहीं गिरी, रीडिस्ट्रीब्यूट होके गिरी। कैसे, दो लाइट जब गिरी तो एक जगह तो 4 गिरी, अगली जगह पे गिरी नहीं, गिरी मतलब आपस में कैंसिल कर गई, क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे पे गिर गए, वहाँ डार्कनेस का पॉइंट आ गया। फिर अगली जगह पर 4 यूनिट ऑफ एनर्जी गिरी,
फिर जीरो, फिर चार, फिर जीरो, फिर चार, टोटल इसमें भी 20 ही है। तो लाइट की एनर्जी कम नहीं हुई, क्या हुई, रीडिस्ट्रीब्यूट हुई, यूनिफॉर्म गिरने की बजाय कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्रेस्ट ट्रफ पे या क्रेस्ट क्रेस्ट पे या ट्रफ ट्रफ पे गिरता जा रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे, लेकिन ये सारी बातों से एक बात तो पता लगती है कि मैं लाइट को क्या ट्रीट कर रहा हूं, वही वेव जो आप देखना चाहते हो, वो क्रेस्ट और ट्रफ वाली वेव। और ऐसी वेव लाइट इस फॉर्म में, लाइट जो है वह ऐसे ही ट्रेवल करती है, ठीक। पर पहला क्वेश्चन देखो, इमेजिनेशन देखो इसमें बहुत जरूरी है। देखो हाइगन ने कैसे इमेजिनेशन में दिखाया क्या होता है। अब दूसरी इमेजिनेशन आप देखो, मैं अपनी थ्योरी यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं कि लाइट इज अ वेव, और मैं ऐसे बोलूं देखा ये एक वेव है लाइट, ये दूसरी वेव है ना। एक्चुअली ऐसे होता ही नहीं। होता ऐसे है कि अगर मान लो एक सोर्स है, बल्ब है, बल्ब से वेव्स निकलेंगी ऐसी क्रेस्ट रफ क्रेस्ट रफ क्रेस्ट रफ क्रेस्ट रफ क्रेस्ट रफ ऐसे, और कहां कहां, हर जगह निकलेगी। ये देखो वेवी वेव है, क्रेस्ट रफ ऐसे वेवी वेव है। अगर ट्यूब से वेव निकल रही है ना, तो एन नंबर ऑफ वेव्स है, पता नहीं कितनी वेव्स, पॉइंट सोर्स कितनी वेव छोड़ रहा है और हर डायरेक्शन में छोड़ रहा है। पर हम इतनी नंबर ऑफ वेव से क्या, हम कैसे करेंगे, हम इनमें से एक वेव पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं बस। पर एक्चुअल में जहां जहां लाइट जा रही है वहां वहां ऐसे इमेजिनरी वेव्स इमेजिन करनी है। तो क्लियर है यहां तक। तो देखो वेव फ्रंट से कैसे हम एक सिंगल वेव पे आए, लेकिन प्रैक्टिकल जब देख रहे हैं तो वेव कैसी दिख रही है आपको, वेव ऐसी दिख रही है, ठीक। तो इमेजिन करो वेव कैसी है, जैसे मैं एक पॉइंट सोर्स हूं और मैं आपको, आप रिसीवर हो, मैं आपको रस्सियां बांट देता हूं, स्ट्रिंग्स, एक रस्सी अपने हाथ में, एक कोना इसके हाथ में, एक आप पकड़ लो, एक आप पकड़ लो, एक आप सारे पकड़ लो, जितने लोग हो सब पकड़ लो। अब मैं जनरेट करूंगा, सारी रस्सियां इकट्ठी हिलाऊंगा, सोचो आपके हाथ में वेव्स ही वेव्स हैं, और आप स्क्रीन हो, स्क्रीन के ऊपर लाइट गिरेगी, इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, यहां यहां पर हम एक्सपेरिमेंट ऐसे करेंगे, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ऐसे होगा, जो सन की लाइट आती है हमारे यहां पर वो कैसी आती है, मालूम, इमेजिन करो मैं सन हूं और ये एक रस्सी से इसको लाइट दे रहा हूं मैं, तो मैंने कहा रस्सी पकड़, तो बल्ब कैसे दे रहा था, ऐसे दे रहा है, सन कैसे दे रहा है, ध्यान से देखना, हर तरफ वैसे भी हिला रहा है, तो क्रेस्ट ट्रफ सीधा ऐसे भी पहुंच रहा, वो ऐसे भी पहुंच रहा है, वो ऐसे भी पहुंच रहा है, वो ऐसे भी पहुंच रहा है, और वो ऐसे भी पहुंच रहा है। तो लाइट जो है वो हर तरफ प्रोपोगेट होती हुई आ रही है, घूम घूम के आ रही है, वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ घूम घूम के आ रहे हैं। देखो कितनी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि सही है ना, साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इतना टाइम लगा गया समझने में, कितनी कॉम्प्लेक्स, पर हम मैथमेटिकली उसको स्टडी नहीं करने वाले, क्योंकि हम ऐसी वेव को स्टडी नहीं कर पाएंगे, कम से कम प्लस टू लेवल में, जहां पर लाइट हर अपना मैं सोर्स ऐसे भी और ऐसे भी होगा ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको एक इंट्रोडक्शन दी जाएगी, जो सन की लाइट है वो ऐसी होती है। अब जब आप सन को देखते हैं दोपहर को, तो देखा नहीं जाता, आंखों में ग्लेयर पड़ती है, देख नहीं सकते सन को, क्यों, क्योंकि इतनी नंबर ऑफ वेव आंखों में एंटर कर रही है, और वो भी कैसे, अलग अलग, मतलब एन नंबर ऑफ वेव आपकी आंखों में इकट्ठी पहुंच रही है, ये भी नहीं एक वेव है, एन नंबर ऑफ वेव है आपकी आंखों में इकट्ठी जा रही है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं मार्केट में जाके, महंगे चश्मे रेबैन के, इसके उसके, 20,000 50,000 10,000 पता नहीं कितने, कोई लिमिट नहीं आजकल पैसे की, महंगे से महंगा चश्मा मिलेगा आपको, बना लिया। अब वो करते क्या है, उसमें लगा हुआ है पोलरॉइड, पोलरॉइड एक फिल्टर है, जाली है उसके अंदर, एक ऐसा ग्लास है जिसमें जाली है, इमेजिन करो एक जाली लगी हुई है स्ट्रेट, और सन क्या कह रहा है कि ठीक है तुम रस्सी पकड़ो, तुम्हारी आंख में हर तरफ से लाइट फेंकूंगा, तुमने जाली लगा ली, अब वर्टिकल जाली है, तो जो वेव ऐसी है वो तो आंखों में आ रही है, पर जो टेढ़ी है वो कट के आ रही है, जाली स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट जाली है, मान लो जेल की तरह ऐसे, तो टेढ़ी फेंकोगे तो आएगी नहीं, देखो थोड़ी और टेढ़ी फेंकोगे थोड़ी जाएगी, बाकी कट जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो अगला चैप्टर आने वाला है पोलराइजेशन, वो यही है। पर आप कॉम्प्लेक्सिटी देखो कहां तक पहुंची हुई है, कि वेव वैसी नहीं, वेव ऐसी है, पर आज की डेट में वेव ऐसी नहीं है, वेव ऐसी है, बस ऐसी ही है, हम एक्सपेरिमेंट ऐसे करने वाले हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, और जब वो लाइट फिल्टर होकर आती है तो हमारी आंखें जो है धूप के अंदर सही काम करती हैं, आंखें खराब नहीं होती। आप कई तो पोलराइड इतने जबरदस्त हैं कि लाइट को बहुत जबरदस्त फिल्टर करते हैं, आंखें खराब नहीं होने देते, क्योंकि उससे एम्पलीट्यूड काफी कम हो जाता है लाइट का एंटर करने का, काफी फिल्ट्रेशन हो जाती है। समझ में आ रहा है यहां तक। तो लाइट कॉम्प्लेक्स है, ये तो बात पक्की पता लग, आपको पता लग रहा है, ठीक। तो बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं ना बताऊं तो प्रॉब्लम, बताए क्या है,
आज मैं बोलता हूँ कि वेव फ्रंट है, परसों मैं बोलूंगा नहीं नहीं वेव तो ऐसी है, दो लेक्चर में बोलूंगा नहीं वेव नहीं वेव तो ऐसी है, आपको यार डिसाइड करके बता दो कि वेव है कैसी। तो ये एक्चुअल में वेव की के कई रूप है, ऐसे बोल लो कई चेहरे हैं। तो एक्चुअल में वेव तो हर तरफ प्रोपोगेट करती है, लेकिन हम अपना एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट सिंपल वेव पे कर रहे हैं। ये मुझे डायग्राम बहुत बढ़िया लगता है। देखो दो सोर्स हैं और एक सोर्स ऑफ लाइट है, हर तरफ वेव को फेंक रहा है, देख रहे हो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, इससे सारी बहुत बड़ा जाल है। लेकिन उसने काफ़ी पॉइंट्स को छोड़ दिया, उसने कुछ वेव दिखाई कि एक वेव यहाँ जा रही है, यहाँ से एक वेव यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है। ऐसी यहाँ पर एक और सोर्स है, वेव ही हर तरफ वेव ही वेव है, पर उसने कुछ वेव ली, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक हो गया। अब यहां पर जो लाइट जा रही है उस पर पहली वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का क्रेस्ट गिर रहा है और ट्रफ ट्रफ पे गिर रहा है, तो लाइट की ब्राइटनेस नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, बड़ा क्रेस्ट क्रेस्ट पे बड़ा एम्पलीट्यूड ऑफ क्रेस्ट बनेगा। तो ये पॉइंट क्या आएगा, ब्राइटनेस का पॉइंट आएगा, और इसको बोलते हैं इंटरफेयर कर गई लाइट। और कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर गई। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे देखे गए जहां पर क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे पे गिर गए, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है, आइडेंटिकल वेव्स हैं, कैंसल हो गया, वहां लाइट ही नहीं गिरी और क्या आ गई वहां पर, डार्कनेस। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। फिर ऐसी कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ डिस्ट्रक्टिव। तो देखो कमाल की चीज, यंग्स ने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया लैब में। लाल कलर की लेजर लाइट है, ये देख रहे हो दो सोर्स हैं, लाइट ही लाइट, वेवलेट्स ही वेवलेट्स, वेव्स ही वेव्स हैं, पर ये देख रहे हो ऐसे इंटरफेयर कर रही है। लाल रंग का मतलब ब्राइटनेस का पॉइंट है, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, और ब्लैक का मतलब डिस्ट्रक्टिवली। ये स्क्रीन है, ये डायग्राम आपके दिमाग में चलेगा, लेकिन स्क्रीन पे फोटो ऐसे बनेगी, कोई पॉइंट पे लाइट बहुत ज्यादा गिर रही है, कहीं पर बिल्कुल डार्क है, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क। इसे बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज ए फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेज। अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे तो एम्पलीट्यूड एक का चार एक का तीन आपस में कैंसलेशन नहीं हो पाएगी, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे लाइट कैंसिल हुई कि नहीं हुई। तो बढ़िया इंटरफेरेंस पैटर्न में लाइट कैंसिल होती है, और ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन एट पॉइंट्स वेयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, उसको क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस, क्या कंस्ट्रक्टिव, और जहां पर मिनिमम उसको क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव।